आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम अपने चल रहे पाठ को आगे बढ़ाते हुए उसी में सावन और अपमार्जन के बारे में अपने अध्ययन किया था कि सावन क्या होते हैं, अपमार्जन क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। आज हम इनकी शोधन क्रिया अर्थात सावन बनाने की विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, साबुन जो बनाने की विधि होती है कि साबुन कैसे बनाया जाता है उसके बारे में पढ़ लिया। आज शोधन क्रिया इसकी, तो देखिए साबुन का अपमान द्वारा मिश्रण बनाकर शोधन क्रिया की जाती है। देखो, मिश्रण संरचना बनाते हैं जो हमारे कपड़ों में जो अशुद्ध लगी है उसके चारों ओर इसके जो कण होते हैं वो उससे अशुद्धि को घेर लेते हैं और उसके चारों ओर एक संरचना बनाते हैं, इसे मिश्रण संरचना कहते हैं। तो साबुन का अपमान द्वारा मिश्रण बनाकर शोधन क्रिया जाती है। सर्वप्रथम हम एक साबुन को उदाहरण देते हैं, जैसे सोडियम स्टेर है। जैसे साबुन का रूप सबसे पहले जल में आयन होता है, सोडियम स्टेर साबुन होता है, जल में आयन हो जाता है। तो देखो, जल में आयन सी से सत्रह एच पैंतीस लगा हो ये आयन भाव और सी में हमारा धारण भाव होता है अर्थात ये आयन भाव कहलाता है। इसे हम इस प्रकार ले सकते हैं, इसको हम आर सी डबल आयन है क्योंकि ये पूरा हमारा इलेक्ट्रिक समूह है। इलेक्ट्रिक समूह को अपने आर दर्शा दिया कि यहाँ जो होता है आर बराबर होता है एल्किल समूह, आर बराबर होता है एल्किल समूह। और यहाँ पर जो एल्किल समूह है ये हमारा है सी सत्रह एच पैंतीस को हम यहाँ पर आर का मान मानते हैं। तो इसको हम ले सकते हैं आर से डबल एन ए, तो आर सी डबल और एन ए प्लस आयन भाव। अब यह हमारा आर है पूरा, ये जो संरचना है किसकी है, आर की है। इसको हाइड्रोकार्बन भाग या जल विरोधी कहते हैं क्योंकि हमारा हाइड्रोकार्बन कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ समूह हमारा हाइड्रोकार्बन कहता है। तो साबुन में जो आर जो ग्रुप होता है, जो एल्किल समूह जो होता है वो आर को कहते हैं एल्किल समूह। यह हमारा हाइड्रोकार्बन भाग होता है, ये जल विरोधी होता है अर्थात ये जल में घुलता नहीं है। और यह हमारा शेष भाग है, ये द्रव्य भाग होता है, जल इसलिए होता है जल में घुल जाता है। यह हाइड्रोकार्बन पूंछ जो आर होती है जल विरोधी होती है तथा ध्रुवीय सिरा जल स्नेही होता है बनाते हैं। तो सबसे पहले साबुन क्या करता है, जब उसको जल में घोला जाता है, कपड़े धोए जाते हैं, तो सबसे पहले इसकी हाइड्रोकार्बन जो पूंछ होती है वो तो जल विरोधी होती है और ध्रुवीय सिरा जल स्नेही होता है, ये बनाते हैं सबसे पहले। तो ध्यान रखना, साबुन के दो सिरे बनते हैं, एक तो जल विरोधी सिरा और दूसरा जल स्नेही सिरा। तो जल विरोधी सिरा एल्किल समूह को जल स्नेही या हाइड्रोकार्बन पूंछ को जल विरोधी सिरा और ध्रुवीय सिरा होता है उसको हम जल स्नेही सिरा कहते हैं। यह भाग इस प्रकार से कैसे होते हैं कि हाइड्रोकार्बन भाग तो इसमें अंतर की ओर होता है और ध्रुवीय भाग सिरा इसका भाग की तरफ होता है, इसे मिश्रण कहते हैं। तो देखो, ये तो होते हैं आपका ध्रुवीय भाग, ये तो ध्रुवीय भाग होते हैं, ये तो हमारे भाग की ओर होते हैं और ये जो एल्किल समूह होता है हाइड्रोकार्बन भाग होता है यह हमारा अंदर की ओर होता है, किसकी ओर, जल की तरफ। तो इस प्रकार से ये तो होगी हमारे मिसाइल के बारे में, मिसाइल किस प्रकार मिसाइल का निर्माण करते हैं। अब ये किस प्रकार से अशुद्धि को हटाते हैं तो इसकी अब क्रिया विधि अपन देखते हैं। तो देखिए, अधिकांश गंदगी तेल की बूंद, अधिकांश गंदगी आदि जल में अघुलनशील परंतु देखो जो हमारी चिकनाई होती है, तेल की बूंद होती है, ये जल में अघुलनशील होती है परंतु ये जो भाग होता है हाइड्रोकार्बन में घुलनशील होती है।
हाइड्रोकार्बन घुलनशील होती है। साबुन द्वारा सफाई क्रिया में जब साबुन सफाई करते हैं, साबुन के द्वारा सफाई प्रक्रिया में चिकनाई के चारों तरफ साबुन के अणु मिश्रण आते हैं। देखो हमारे चिकनाई है, उसके चारों तरफ साबुन के जो अणु हैं वो मिश्र बनाते हैं। इसमें जल रोधी हाइड्रोकार्बन भाग चिकनाई को आकर्षित करता है। इसमें जो जल रोधी होता है, जल रोधी कौन सा भाग होता है? जल रोधी हाइड्रोकार्बन भाग जल इसमें ही ध्रुवीय भाग बाहर की तरफ निकल रहता है और जल इसमें ही ध्रुवीय भाग जल इसमें ही भाग कौन सा ध्रुवीय भाग बाहर की ओर निकला होता है। जल स्नेही जो भाग होता है ये तो सिरा होता है, बाहर की ओर निकलता है। इस प्रकार चिकनाई के चारों ओर घेर कर मिश्र बनाता है। इस प्रकार चिकनाई को चारों ओर से घेर कर जो चिकनाई होती है, चाहे तेल की हो चाहे किसी प्रकार की, जब चिकनाई की अशुद्धि होती है तो यह चिकनाई को चारों ओर से घेर कर मिश्र बन जाता है। इस प्रकार चिकनाई को चारों ओर से घेर कर मिश्रण बन जाता है। बाहरी सिरे पर उपस्थित ध्रुवीय सिरे जल को आवृत करते हैं, तो जो ध्रुवीय सिरा है वो जल को आवृत करता है। ध्रुवीय सिरा जल को आकर्षित करता है। देखो इसका ध्रुवीय सिरा तो जल को आवृत करता है और संपूर्ण चिकनाई जल में खींच ली जाती है। जल को आवृत करता है और संपूर्ण चिकनाई जल में खींच ली जाती है। इस प्रकार हमारा कपड़ा का शुद्धिकरण होता है। सभी मिश्र गुणाविष्ट होते हैं अतः अवक्षेपित नहीं होते हैं। सभी जो मिश्र होते हैं वो कैसे होते हैं? गुणाविष्ट। गंदे कपड़े को साबुन लगाने के बाद पानी डालकर निकाल जाता है
तो गंदे कपड़े से बाहर पानी में आ जाती है। इस प्रकार जब गंदे कपड़े को साबुन लगाने के बाद पानी में डाला जाता है। जाता है तो पानी में गंदे कपड़े से पानी डाल जाता है तो अशुद्धि पानी में रह जाती है। इस प्रकार यह हमारी साबुन की क्रिया विधि है।